नमस्कार। नरेंद्र कोहली जी की बात की जाए तो उनसे जुड़े कई संस्मरण अपने आप ही याद आने लगते हैं। एक बार नरेंद्र कोहली जी बताने लगे कि बहुत पहले वो रामकथा पर लिखना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पिताजी से इस बाबत चर्चा की। पिता बोले, अभी मत लिखो, तो उन्होंने नहीं लिखा। जब पूछा गया कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा, तो वो बोले कि रामकथा का मूल ही है पिता का आदेश मानना, इसलिए नहीं लिखा। फिर कई साल बाद उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारी रामकथा का, तो उन्होंने बताया कि आपने ही तो मना किया था कि अभी मत लिखो। ये सुनकर उनके पिताजी मुस्कुराए, बोले अब लिख सकते हो। तो फिर वो लिखने लगे और ये रामकथा ही आगे चलकर नरेंद्र कोहली की पहचान बन गई। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अगर हम बताएं तो एक गोष्ठी पटना लिटरेचर फेस्टिवल में जब नरेंद्र कोहली जी से किसी पत्रकार ने श्री राम के विषय में प्रश्न किया, तो उन्होंने जवाब देने के बदले वापस प्रश्न कर डाला। उन्होंने पूछा, किसके राम? सवाल तुम्हारा तभी समझ में आएगा जब तुम ये बताओ कि तुम किसके राम के विषय में पूछ रहे हो। वाल्मीकि के राम अलग थे, तुलसी के राम बिल्कुल अलग। टू ईच हिज ओन किसी तर्ज पर ये तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो जाते हैं। मेरा वाला राम असली और तुम्हारा वाला राम नकली कहना भी बेकार ही है। हर व्यक्ति के राम उतने ही असली हैं। जब 1975 में राम कथा पर आधारित दीक्षा का प्रकाशन हुआ, तभी साहित्य जगत को पता चल गया था कि एक और यशस्वी लेखक का उदय हो चुका है। अब इस काल को नरेंद्र कोहली युग कहे जाने का आग्रह भी जोर पकड़ता जा रहा है। सांस्कृतिक पुनः जागरण के इस दौर में ऐसे कई उपन्यास लिखे गए थे जो कि परंपरागत या स्थापित मान्यताओं के खिलाफ जाते थे। नरेंद्र कोहली जी की कथाओं में नायक नायिकाएं उपन्यास लेखन के मान्य तरीकों से नहीं गढ़े गए थे। वो आम जन भावनाओं की कहानियों में बसने वाले वैसी नायक नायिकाएं थीं जिन पर खुद को मास से अलग एलीट क्लास का मानने वाला उस दौर का लेखक लिखता ही नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नरेंद्र कोहली के बारे में सन 1976 में लिखा था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यथासंभव रामायण कथा की मूल घटनाओं को परिवर्तित किए बिना आपने उसकी एक मनोग्राही व्याख्या की है। तो क्या नरेंद्र कोहली अपने उपन्यासों में कल्पना का प्रयोग नहीं करते थे? करते थे, लेकिन विदेशियों की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले टुकड़ाखोरों की तरह वो अपनी कल्पना को प्रबल दिखाने के लिए मूल कथा से छेड़छाड़ नहीं करते थे। उदाहरण के तौर पर अभिज्ञान देखें तो शुरुआत करते ही आपको पता चल जाता है कि ये तो श्री कृष्ण और सुदामा की जानी पहचानी सी कहानी है। लेखक पूरी कहानी में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते, मूलतः कहानी वही है जो हम सभी जानते हैं। इसके बाद भी करीब 150 पन्नों में नरेंद्र कोहली सुदामा की कहानी के जरिए कर्मयोग का सिद्धांत बता जाते हैं। लेखन की उपन्यास नाटक जैसी जानी पहचानी विधाएं हों या संस्मरण जैसे कम छुए जाने वाले क्षेत्र, नरेंद्र कोहली सभी में लिखते रहे। अगर उनकी प्रसिद्धि की बात करें तो फिर से याद दिला दें कि उनकी प्रसिद्धि रामकथा से आई थी, या कहिए रामकथा को अभ्युदय के रूप में लिखने से आई थी। दो खंडों में लिखे गए इस उपन्यास की कई नामी गिरामी लेखकों ने भी प्रशंसा की है। हम उनका लेखन देखते समय उनके लिखे वसुदेव को देखते हैं। ये उपन्यास श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और उनके संघर्ष की कहानी है। वसुदेव अपने रण में विजयी नहीं हुए थे, उनके हिस्से की लड़ाई को उनके पुत्र श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया। यानी कहानी का मुख्य पात्र परंपरागत अर्थों में नायक ही नहीं कहा जा सकता। इसके बाद भी इस उपन्यास की पाठक को पकड़े रखने की क्षमता देखने लायक है। उस दौर और आज के दौर के संघर्ष कैसे एक जैसे हैं, ये समझने के लिए भी वसुदेव पढ़ी जा सकती है। वो स्वामी विवेकानंद के जीवन पर कई खंडों में तोड़ो कारा तोड़ो लिखने के लिए भी ख्यात है। हिंदी साहित्य के जगत में दूसरे पक्ष से लिखने वाले ऐसे लेखकों का अब न होना एक अपूर्णीय क्षति होता है। उम्मीद की जाए कि नए लेखक अब उनके स्थापित मापदंडों से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।